लिए रैली करते हैं, हर साल कंटिन्यूसली हमने 20 साल से ज़्यादा हम हर एक साल और आगे भी करेंगे। क्यों करेंगे? अभी कहते हैं कि ये तो 34 साल पहले हो गया, इसको भूल जाओ, इसको याद रखने में क्या फायदा है। इसका केस खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये सब खत्म हो गया, तो इसको भूल जाओ, इससे ये नहीं होगा, एक बार हो चुका है। लेकिन इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि जब 34 साल पहले 1984 में सिखों के ऊपर कत्लेआम हुआ, लगभग 10,000 लोग मारे गए दिल्ली के सड़कों में, फिर उस टाइम राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बना के आया, वो कहा कि जब एक पेड़ गिरती है तो धरती हिलती है। उसका मतलब जब एक बड़े प्राइम मिनिस्टर का कत्ल होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ होगा, लोगों का कत्लेआम होगा। ये कैसे हम मान सकते हैं, ये कैसे मान सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जब कत्ल हुआ उसको यूज़ करके हजारों सिखों के ऊपर हमला किया, वो उन्होंने क्या किया, वो इन्वॉल्व ही नहीं थे, उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये पॉलिटिकल चीज़ है, ये देखना चाहिए कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है, साजिश है, कि ये कैसे चलाना है हिंदुस्तान। हम सबको यहाँ जो बैठे हैं ज़्यादातर वो 1984 में आपका जन्म ही नहीं हुआ, उसके बाद आपका वो जो 20-25 साल के बीच में जो लड़के हैं उनको पता नहीं होगा कि 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन में क्या हुआ, और फिर उसके बाद 1984 में क्या हुआ, शायद आप सबको पता नहीं। अभी हम सब बताने वाले हैं, जो मेरे बाद आने वाले स्पीकर वो सब जरूर 1984 में उन 3 दिनों के अंदर अंदर नवंबर अक्टूबर 31 से लेके नवंबर 3 दिनों में दिल्ली के सड़कों में कैसे इतना कत्लेआम हुआ, 10,000 सिखों का कैसे कत्लेआम हुआ, उसके बारे में बताएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जब कत्लेआम हुआ ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर घूमने का काम नहीं है, कुछ इधर उधर तो पॉलिटिशियन का काम नहीं है, या वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनका पूरा काम नहीं है।